वकील साहब तुम जा रहे हो, आपकी चाय पिलाओगी। और मैंने थायराइड की दवा नहीं खाई, चाय बना रहे हैं 10 मिनट खा लो। यहाँ है भी नहीं। तुम्हारी कितनी MG है? 50 की है। हाँ तो दे दवाई तो है। ठीक है, हम बैठे रहे 10 बजे तक, आ जाए तो साथ में चाय चाहिए, साथ में चाय। जब देखा नहीं आई तो हमने करी मामूली पी, लेट हो गई ना, लेट हो गई। अच्छी है ना, जब हम बीच में गए थे तब भी बताया था। अब साथ के साथ चाय पी गया, अच्छा वहाँ तो पीते पीते है। तुम लेके आई हो ये? नहीं यार, यही वाले सारा जी चाय है, दूध वाली। बंदर 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 नहीं हो, और हम लोग भी। अच्छा, अब इन लोगों को नहीं है कोई कोई तकलीफ नहीं, अल्लाह ना करे कभी ऐसा। वैसे सूखी जरा लेने लगता है। हाँ, कि और दूध की पी ले, पी ले कोई चीज, खा लो थोड़ी मोटी हो जाए, मजबूरी है। वेलकम बैक टू माय चैनल। सबा के ब्लॉग में आप सब ने देखा होगा, बहुत दिन बाद नाजा खाला सारा और खालू सब लोग भोपाल से आ गए हैं। और उन सब को देखने के बाद माशाल्लाह इब्राहिम फैमिली में सब लोग बहुत ज़्यादा खुश है। और नाजा खाला जब भी आते हैं मुंबई तो सबके लिए सबकी पसंदीदा चीज़ लेके आते हैं भोपाल से, क्योंकि भोपाल से उनका बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी हुई हैं। बहुत सालों तक सबा शोएब भोपाल में रहे थे, जब पापा बैंक पर नौकरी करते थे तभी तो यहाँ पर नाजा खाला ने खास करके रिजा के लिए रुमाली रोटी लेके आया है, जो कि रिजा का फेवरेट है। और बहुत सारा लेके आया है तो रिजा 2-3 दिन तक काम चला लेगा उससे ही। और आप लोग देख पाओगे नेक्स्ट वीडियो में कि रुहान का रिएक्शन क्या था। तो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करके रखो।